लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा होने से आवागमन में दिक्कतें होने लगी हैं। कोहरा घना होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर छोटे बड़े वाहन रेंगते नजर आए। सूरज ढलने के साथ ही धीरे धीरे कोहरा होने लगा। रात 9 बजे तक कोहरा इस कदर घना हो गया कि लंबी दूरी पर निकले ट्रक चालकों ने गाड़ियों को खड़ा करने में ही भलाई समझी। ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। कोहरे की धुंध में वाहन चलाना जोखिम भरा है। कोहरे से हो रही दिक्कतों पर आई इंडिया से बोले ट्रक चालक। हम इस वक्त मौजूद हैं NH 24 हाईवे पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे घना कोहरा पड़ रहा है, वाहनों का आवागमन जारी है, लेकिन घने कोहरे के वजह से रफ्तार वाहनों की कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे इधर भी गाड़ियों का काफिला ज़्यादा है। हम पहुंचे हैं हाईवे NH 24 पर, वहाँ कुछ वाहन चालक भी रुक गए हैं कोहरे की वजह से। हम पूछेंगे इनसे कि कहाँ से कितना सफ़र कर चुके हैं, कहाँ जाना है आपको, कहाँ से आप आए हैं? सर जी लखनऊ से आए थे, सीतापुर तक 3.5 घंटे लगे। अब कहाँ जाएंगे? मेरे को पानीपत जाना है। पानीपत जाएंगे? हरियाणा जी। हाँ जी। कोहरे की वजह से रुक गए? कोहरे की वजह से। तो इन्होंने बताया कि कोहरे की वजह से ये रुक गए हैं रास्ते में। अभी कोहरा जब कम पड़ जाएगा तब ये यहाँ से निकलेंगे। अभी कुछ देर पहले एसओ रामकोट की गाड़ी भी घने कोहरे की वजह से पलट गई है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सतर्क रहिए, धीरे चलिए, घने कोहरे से बचिए। आई इंडिया से समीर के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।